हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक नॉन रेसिडेंट हैं और साथ ही आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आप एक सुपर सीनियर सिटीजन हैं तो आपके लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 में। रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर अलग अलग इनकम टैक्स के रेट्स बताए गए हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आईटीआर फाइलिंग की लास्ट डेट होगी 31 जुलाई विदाउट लेट फीस, और 31 जुलाई के बाद आप विद लेट फीस अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं 31 दिसंबर 2022 तक। जिस तरह से रेसिडेंट्स के लिए दो स्कीम बनाई गई हैं, आप ओल्ड स्कीम में ऑप्ट कर सकते हैं या फिर आप न्यू रिजीम में जा सकते हैं, उसी तरह से एनआरआईज के लिए भी दो स्कीम्स हैं। आप चाहें तो ओल्ड स्कीम में रह सकते हैं या फिर आप चाहें तो न्यू स्कीम में जाकर लोअर टैक्स रेट्स का बेनिफिट ले सकते हैं। एक बार शॉर्ट में ये जान लेते हैं कि आपको ओल्ड स्कीम में क्या बेनिफिट मिलता है और न्यू रिजीम में क्या बेनिफिट मिलता है, दोनों में से आपको कैसे ऑप्ट करना है। तो ओल्ड रिजीम में आपको स्लाइटली हायर रेट्स मिलते हैं, लेकिन वहां पर आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस का बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है 80C से लेकर के 80U तक। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स करवाए हुए हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाता है। होम लोन के प्रिंसिपल कॉम्पोनेंट पर भी डिडक्शन मिल जाता है, लेकिन अगर आप न्यू रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी ना डिडक्शंस मिलते हैं और ना ही कोई एग्जेम्पशंस मिलते हैं। अगर आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं 80C के अंदर 80D के अंदर तो वहाँ पर आपको कोई भी डिडक्शन का क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर टैक्स रेट्स स्लाइटली कम हैं ओल्ड स्कीम के कंपैरिजन में। इसलिए आपको कैसे चूज करना है कि आपको ओल्ड में जाना है या न्यू में, तो वो आपको देखना होगा कि आपके इन्वेस्टमेंट्स कितने हैं। अगर आपको डिडक्शंस अच्छे खासे क्लेम करने हैं तो आप ओल्ड स्कीम में ही रहिए, अगर आपके डिडक्शंस नहीं हैं तो आप न्यू रिजीम में जा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारे इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 में। अगर आप रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं और बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हैं तो आपके लिए अलग रेट्स होते हैं, जबकि सुपर सीनियर सिटीजन्स या सीनियर सिटीजन्स के लिए अलग रेट्स हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें एनआरआई की, तो एनआरआई के लिए सारे केसेस में सेम रेट दिए गए हैं, चाहे आप बिलो 60 इयर्स ऑफ एज हो, चाहे आप अबव 60 इयर्स ऑफ एज हो, या फिर आप सुपर सीनियर सिटीजन हो, आप 80 के अबव हो, तो एनआरआई के केस में यहाँ पर सबके लिए सेम ही रेट बताया गया है। और यहाँ पर सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही एग्जेम्प्ट है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, लेकिन जैसे ही 2.5 लाख से ऊपर होती है आपके टैक्स रेट शुरू हो जाते हैं। जबकि हम बात करें रेसिडेंट्स की, तो यहाँ पर आपको सीनियर सिटीजन्स के केस में 3 लाख तक बेनिफिट मिल जाता है और सुपर सीनियर सिटीजन्स के केस में 5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। चलिए बात करते हैं एग्जिस्टिंग स्कीम की। पहले, अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए है तो कोई भी टैक्स नहीं है, यहाँ पर निल रेट ऑफ टैक्स है। 2,50,000 से आपकी इनकम इंक्रीज होती है और अप टू 5 लाख रुपीज है तो आपको 5% देना है अबव 2,50,000। इसके बाद अगर आपकी इनकम 5 लाख से इंक्रीज हो जाती है लेकिन 10 लाख रुपए के अंदर आती है, तब आपको देना होगा 12,500 प्लस 20% अबव 5 लाख रुपीज। मतलब जितनी इनकम आपकी 5 लाख के ऊपर जाएगी उसका 20% प्लस 12,500। अगर आपकी इनकम 10 लाख के ऊपर चली जाती है तब आपको देना है 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख रुपीज। इसी में अगर हम बात करते हैं न्यू टैक्स रिजीम की, तो न्यू टैक्स रिजीम में भी बेनिफिट सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक का ही दिया गया है। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं है। जैसे ही आपकी इनकम 2.5 लाख के ऊपर जाती है, तो 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख रुपए तक के बीच में अगर आपकी इनकम आ रही है तो आपको टैक्स देना होगा 5% अबव 2,50,000। अगर इनकम 5 लाख और 7,50,000 के बीच में है तो आपको टैक्स देना है 12,500 प्लस 10% अबव 5 लाख। 7,50,000 और 10 लाख के बीच में इनकम आती है तो आपको देना है 37,500 प्लस 15% अबव 7,50,000। 10 लाख और 12,50,000 के बीच में इनकम आती है तो आपको देना है 75,000 प्लस 20% अबव 10 लाख। अगर 12,50,000 और 15 लाख के बीच में इनकम आती है तो आपको देना है 1,25,000 प्लस 25% अबव 12,50,000। और अगर आपकी इनकम 15 लाख के ऊपर चली गई तब आपको देना होगा 1,87,500 प्लस 30% अबव 15 लाख। तो ये थे हमारे इनकम टैक्स के रेट्स एग्जिस्टिंग स्कीम के हिसाब से और न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि ओल्ड सिस्टम में जाते हैं तो यहाँ पर 3 स्लैब रेट्स हैं, जबकि अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर 6 स्लैब रेट्स हैं।
ओल्ड में आपको सिर्फ 3 रेट्स मिलते हैं, 5%, 20% और 30%, जबकि न्यू में आपको यहाँ पे 6 रेट्स मिलते हैं, 5%, 10%, 15%, 20%, 25% और 30%। स्लैब रेट्स के बाद बात करते हैं कि NRIs के लिए कौन सा ITR फॉर्म एप्लीकेबल है। ITR 1 फॉर्म सिर्फ रेसिडेंट्स के लिए है, रेसिडेंट ऑफ इंडिया ITR 1 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप NRI हैं तो आपके लिए ITR 2 फॉर्म एप्लीकेबल होगा। अगर आपको FD का TDS क्लेम करना है या आपको इंडियन स्टॉक मार्केट से कोई सेल परचेज दिखानी है तो आप ITR 2 फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, होप कि वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय।